कड़ी पुलिस स्टेशनना पोलीसकर्मी सामे दहेजनी फरियाद दाखल थई छे। लग्न बाद पोलीसकर्मी अने तेना परिजनो दहेजनी मांग करता होवानी फरियाद दाखल थई छे। 5 लाखनू दहेज मांगी पणिता पर त्रास गुजारता होवानी फरियाद थई छे। तो समाधान माटे पिताना घरे आवेला पोलीसकर्मीए पत्नीने मार मार्यो। पोलीसकर्मी दीपक मूची सहित 5 सामे दहेज प्रतिबंधक धारा हेठळ गुनो नोंधायो छे। तो 2019 पोलीसकर्मीए प्रेम लग्न कर्या हता। तो पोलीसकर्मी सामे दहेजनी फरियाद दाखल करवामां आवी छे। कड़ी पोलीस स्टेशनना पोलीसकर्मी छे अने तेमनी सामे आ दहेजनी फरियाद दाखल थई छे। लग्न बाद पोलीसकर्मी अने तेना परिजनो दहेजनी मांग करता हता। 5 लाखनू दहेज मांगी पणिता पर त्रास गुजारता होवानी फरियाद दाखल थई छे। आज मुद्दे संवाददाता कमलेश रावल फोनलाइन पर। कमलेश, कड़ी पोलीस स्टेशनना पोलीसकर्मी सामे जे दहेजनी फरियाद दाखल थई छे, शुं मामलो कमलेश? कड़ी पोलिस स्टेशनमां फरज पोलीसकर्मी तरीके फरज बजावता दीपक धोची नामना व्यक्तिए 2019 प्रेम लग्न कर्या हता अने प्रेम लग्न कर्या बाद जे तेनी पत्नी हती तेनी उपर दहेज मांगे त्रास गुजारवामां आवतो हतो। इतिया 5 लाखनी मांगणी करवामां आवी हती अने आ मांगणीने कारणे ते पहलीता हती तेना पिताना घरे चाली गई हती। दरमियान समाधान माटे पोलीसकर्मीने त्यां पिताना घरे बोलावायो हतो। आ दरमियान अपशब्दो बोली अने पहलीताने मार मारवामां आव्यो हतो। जे अંતર્ગત ઉર્જા પોલીસ મથકે પોલીસકર્મી દીપક ધોશી અને તેના પરિવારજનો સહિત 5 સાક્ષીઓ સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને પોલીસે દહેજ પ્રતિબંધક ધારા અંતર્ગત ગુનો દાખલ કરી હજી તપાસ હાથ ધરી છે। જી બિલકુલ કમલેશ, સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર।